नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। मकर राशि वाले लोगों के लिए जून महीना कैसा जाएगा, इस विशेष राशिफल के प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राशिफल की जानकारी से पहले मैं मकर राशि वाले लोगों को ग्रहों से बनने वाले कुछ हेडलाइंस पहले देना चाहता हूं। जून महीने में आपकी कुंडली में बनेगा शश योग और बुध के स्वग्रही होने और शुक्र के स्वग्रही होने से बढ़ेगी आपकी ताकत। 14 जून से सूर्य राहु का ग्रहण दोष खर्चों को और हमारे कर्जों को बढ़ा सकता है। 18 जून से मंगल का एकादश भाव से नवम पंचम बड़ा राजयोग बनने जा रहा है, जो भाई बहन और रिश्तेदारों से खुशखबरी दिलाएगा। रोग भाव में राहु और बुध का जड़त्व दोष शत्रुओं की वृद्धि कर सकता है और साथ में आपको कर्ज लेने के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखना पड़ेगा। 30 जून से देवताओं के गुरु बृहस्पति वापस चांडाल दोष की गिरफ्त में जा रहे हैं केतु के साथ। मां की सेहत और पैसा फंसना नुकसान और धोखे की सुखबुगाहट है, ध्यान रखिएगा। गुरु शनि की युति और बुध आदित्य योग से समस्याओं से निजात पाने में क्रिएटिव आइडियाज मिलेंगे। साथ में धीरज धैर्य संयम से शक्ति प्राप्त करके आप अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए आगे भी बढ़ेंगे। अब देखिए इंपॉर्टेंट इवेंट जून में क्या होने वाले हैं। 2 जून को निर्जला एकादशी, पुण्य कर्म करने का बहुत बड़ा दिन। 21 जून को देव पितृ कार्य अमावस्या है, सूर्य ग्रहण भी होगा और 22 जून को गुप्त नवरात्रा प्रारंभ हो रहे हैं। वहीं 29 जून को एक बहुत ही शुभ मुहूर्त है जिसे हम अबूज मुहूर्त कहते हैं, नाम है बडली नवमी। सुख समृद्धि और सौभाग्य के लिए आप इस दिन नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, मैं इस कार्यक्रम में सबसे पहले बात करूंगा बिजनेस एंड वेल्थ की, बाद में जॉब और प्रोफेशन की, फिर लव लाइफ रिलेशनशिप और फैमिली की, और स्टूडेंट और संतान सुख की बात करने के बाद सेहत और दुश्मनों की बात की जाएगी, और अंत में वो खास उपाय जो जून महीने में मकर राशि वाले लोगों के लिए यादगार पल बिताने पर आपको आमादा करेंगे। अब यहीं से ही 30 जून जो कि 30 दिन चलने वाला महीना है, इसे 30 पॉइंट जो राशिफल के मैंने तैयार किया उसकी नजर में देखिए। शुरुआत बिजनेस एंड वेल्थ से। देखिए सूर्य ग्रहण मध्य में आएगा, इसमें आपको पहले से ही अपने फाइनेंस की व्यवस्था करनी है, और वो जो सूर्य ग्रहण के 4-5 दिन होते हैं पहले और बाद के 2-3 दिन, उसमें आपको पैसा संजो के रखना है। सूर्य ग्रहण आपकी फाइनेंशियल योजनाओं में कमियां ला सकता है और कमियों को सामने भी ला सकता है, इसलिए आप इस महीने फाइनेंस और अपने मैनेजमेंट की चाबी अपने पास रखें। आप अपने वित्तीय उपक्रम, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है, उसको सफलता के सूत्र में बांधकर आगे बढ़ाएं। इसके लिए आपको सही योजना बनानी पड़ेगी और अपने जो एटीट्यूड है उसे पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा। इस महीने उम्मीदों से कहीं अच्छे लाभ कमाने की कवायद में आप जो काम कर रहे थे उसमें डिस्टर्बेंस पैदा कर देंगे, इसलिए छोटे छोटे लाभ करते हुए जैसे बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है वैसे ही बड़े लाभ की तरफ आगे बढ़ सकते हैं हम। धन और समृद्धि के बढ़ने के आसार तो है, लेकिन इसमें आपको नजर भी लगेगी। किसी काम के पूरा होने से पहले किसी को बोलिएगा मत, वरना आपको आपकी ही नजर लग जाएगी। फाइनेंशियल लाभ में वृद्धि को देखकर लोग आपसे जलन करेंगे। मंथ मिड में परिस्थिति का विचार करके आप बड़े निर्णय ले सकते हैं। हानि न हो, नुकसान न हो, इसके लिए बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, जो मैंने हेडलाइंस में आपको कहा था। शुभ कर्म करने के लिए ग्रहों की दशाओं का इंतजार करने के बगैर आपको हर रोज एक नई शुभ शुरुआत अपने फाइनेंस और बिजनेस पे करनी चाहिए। आय के साथ कुछ निर्माण कार्य, कुछ नई प्रोडक्टिविटी, अपने प्रोडक्ट में आपको जैसे रीपैकेजिंग, रीमार्केटिंग, मार्केटिंग के तरीके चेंज करना, यह सब कुछ कारगर सिद्ध होंगे। आपको किसी फाइनेंशियल संस्था, किसी फ्रीलांसर से या किसी कंपनी को हायर करके काम जरूर करना चाहिए। आपका व्यापारिक समाज में मान और सम्मान बढ़ना और नई क्रिएटिविटी के साथ आप लोगों की मदद करेंगे जिससे आपकी इमेज बेटर होगी और आपको खुद संतुष्टि और आत्मविश्वास बढ़ेगा। हालांकि कुछ वित्तीय समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा, जो हम सबको करना ही पड़ता है, व्यापार वैसा चलता रहता है, लेकिन चिंता करने के बजाय चिंतन करना जरूरी होगा। किसी अचल संपत्ति और पैतृक संपत्ति के संग्रहण में आप कोई गलती कर बैठेंगे, डॉक्यूमेंटेशन में पैसा उधार देने में फंसने के पूरे चांसेस हैं। आप बहुत समझदारी से आगे बढ़ें। बात करते हैं जॉब और प्रोफेशन की। वर्क प्लेस पर अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए आपको अपने लक्ष्य के साथ साथ कंपनी के लक्ष्य भी आपको ध्यान होने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ही लक्ष्य हम पूरे करते करते ये भूल जाएं कि हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी चलेगी तभी हमारी नौकरी चलेगी। आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी अगर मिलती है तो उसे हंसी के साथ आप स्वीकार करिए। लोगों ने
तो फांसी का फंदा भी हंसते हंसते स्वीकार किया था, आपके पास तो सिर्फ चुनौती और जिम्मेदारी है। और याद रखिएगा, चुनौती और जिम्मेदारी उसी शख्स को ईश्वर देते हैं जिसके पास ये काबिलियत होती है कि वो उसे पूरा कर सकता है, और वो आपके अंदर है। मंथ मिड में आपके अच्छे रिजल्ट आपको बहुत खुश करेंगे, लेकिन यही खुशी और सेलिब्रेशन ग्रहण के समय जॉब पर ग्रहण भी लग सकता है। इसलिए ईमानदारी के साथ साथ अपने काम को एडवांस करें, क्योंकि ये ग्रहण आपकी नौकरी को डिस्टर्ब कर सकता है। आप अपने कार्यों को निरंतर सफलताएं अर्जित करते हुए आगे बढ़ने के साथ साथ एडवांस प्लानिंग और एडवांस वर्क करने के लिए आप हमेशा तैयार रहें। मंथ एंड तक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आलस्य और नेग्लिजेंस, लेट लतीफी और साथ में कई तरह की गुस्से और जुबान खराब होने वाली स्थितियां भी ये ग्रहण और आने वाला चांडाल दोष आपको दे सकते हैं। इसलिए आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि जॉब है तो घर परिवार चलेगा, और वो जॉब कैसे चले इसके लिए आपको खुद नुस्खे निकालने चाहिए। अपनी कमी और अच्छी बातों का ख्याल आपको होना चाहिए। करियर को ध्यान में रखते हुए विपरीत जो जेंडर होता है, पुरुष को महिला, महिला को पुरुष की तरफ आकर्षित करेगा, और ये आकर्षण, ये बातचीत कोई मुसीबत भी खड़ी कर सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको किसी से बात नहीं कर सकते, हम सब एक हैं, लेकिन गलत नियत, बद नियत या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो आपकी इमेज को खराब कर सकता है जॉब में, ध्यान रखिएगा। वर्क प्लेस पर वातावरण सौहार्दपूर्ण और हंसमुख बनाना होगा, बनेगा नहीं। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में करियर को ब्राइट के लिए आप थोड़ी और ज्यादा मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना सीखिए। बात करते हैं फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप में। देखिए, मंगल मकर राशि वाले लोगों के लिए बहुत शुभ है, क्योंकि राशि से अगले घर में धन भाव है। मंगल जो भी दाम्पत्य जीवन विवाहित लोग हैं उसमें कामुकता बढ़ाएगा, रोमांच और रोमांस के प्रति आपका मन बढ़ेगा, और साथ में आपको एग्रेसिव भी बनाएगा। अपनी चीजें थोपने का प्रयास आप ज्यादा करने वाले हैं। मत मिड से मत एंड तक दाम्पत्य जीवन वाले लोग आनंदित बहुत रहेंगे। इस महीने आप अपने आप को अकेला बिल्कुल नहीं समझें, बल्कि आप प्रेम संबंधों में बहुत ज्यादा रुचि न लेकर इसे एक लिमिट में रखिए, क्योंकि टू मच इज टू बैड। हर चीज, किसी चीज की अति होती तो वह खराब ही होती है। मकर राशि जातकों को कार्यस्थल पर या पारिवारिक दायरे में पार्टनर मिलेंगे। सूर्य ग्रहण मौजूदा संबंधों में आपको तकलीफ दे सकते हैं। अच्छे रिश्ते बनाइए और बुरे लोगों से दूर रहिए। पारिवारिक मुद्दे में तनाव आपकी वजह से नहीं, आपके पार्टनर की वजह से नहीं, बल्कि किसी और की वजह से आने वाला है, और अगर वो आ जाता है तो इसमें नाकामयाबी आपकी होगी, क्योंकि वो कामयाब हो गए हैं, और ऐसे में किसी और को कामयाब कभी नहीं बनाना चाहिए। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के बीच मनमुटाव होगा, ये संघर्ष परिवार का माहौल खराब कर सकते हैं। बच्चे गंभीर रूप से प्रभावित होंगे किसी संक्रमण में, बड़े बुजुर्गों की सेहत का भी आपको ही ख्याल रखना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि उनका ख्याल वो खुद रखें। जितना शांत और जितनी अपनी स्पीड और स्किल को सही मेंटेन करके चलोगे, आपको संबंधों को बढ़ाने का खजाना प्राप्त हो सकता है। परिवार के महत्व को समझना आपको इस महीने बहुत शुभता देगा। आपको अपने अधिकार के बजाय अपने दायित्व और कर्तव्यों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। आप ये देखेंगे कि अगर आप कंसीव करते हैं तो ये महीना छोड़ देना चाहिए, ट्रेवल करते हैं तो ये महीना छोड़ देना चाहिए। किसी पिकनिक में जाना, दूर दराज में जाना, किसी हिल स्टेशन में जाना, घूमने फिरने जाना आपको मुसीबत दे सकता है। घर परिवार को जोड़कर एक साथ चलने का प्रयास जरूर करें, ताकि इससे परिवार की उन्नति होने के साथ साथ आपकी भी उन्नति हो सकेगी। स्टूडेंट और संतान सुख की बात के तहत छात्रों को शैक्षिक संभावनाओं के लिए एक अद्भुत महीने का संकेत दे रहा है। आप ज्यादातर बच्चों के, आपको पता ही है कि जून महीने में छुट्टियां होती है, लेकिन छुट्टी किस चीज से? स्कूल जाने से छुट्टी है, आपको ज्ञान बढ़ाने से किसी ने रोका नहीं है, अपने स्किल को और डेवलप करने से किसी को रोका नहीं है, अदर करिकुलर एक्टिविटीज में आप जानकारी लेकर बेहतर बच्चे बनकर उभरे हैं, बेहतर एक कलाकार के रूप में उभरे हैं, इसमें छुट्टी नहीं मिली है। इसलिए आप इस महीने का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। इंजीनियरिंग और स्पेशली साइंस के स्टूडेंट जो बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, जिनके काम अटके हुए, एजुकेशन में बहुत सारी परीक्षाएं अटकी हुई है, वो समस्या मत मानिए, वो समझिए कि ईश्वर ने आपको और पढ़कर बेहतर परिणाम लाने के लिए एक मौका दिया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में क्लियर करने के लिए रूटीन और बेहतर करना जरूरी है। इस महीने में आप अपनी तार्किक शक्ति, जो IQ EQ लेवल है, जो ग्रुप डिस्कशन की शक्ति है, ज्ञान की शक्ति, उससे अच्छा बनाने में लगे रहेंगे। कुछ मामलों में आपको सफलता मिलेगी और इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और जिन मामलों में आपको सफलता नहीं मिल रही है वही आत्मविश्वास से आने वाले दिनों में आपको लाभ देंगे। स्पोर्ट्स पर्सन को पिछले 2 महीने ब्रेक को तोड़ते हुए अपनी प्रैक्टिस पर पुनः ध्यान देना पड़ेगा। आलस्य
और गर्मी की वजह से आप प्रैक्टिस ढंग से नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये प्रैक्टिस आप चाहें तो घर पर बैठकर भी कर सकते हैं। अध्ययन में रुचि, अपने ज्ञान को, अपने स्किल को डेवलप करने में किसी संस्थान में जाने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने दिमाग से दिल में उतरने की जरूरत है। और जब दिल और दिमाग ने ग्रीन सिग्नल दे दिया तो आपको तरक्की करने से दोस्तों कोई नहीं रोक पाएगा। बात करते हैं सेहत और दुश्मनों की। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहद उत्साहजनक है। आपको 21 तारीख के आसपास थोड़ा सा 2-4 दिन सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण है। पर्याप्त आराम के साथ साथ व्यायाम भी जरूरी होगा। नियमित व्यायाम, एक्सरसाइज, अच्छे खानपान की वजह से आपका स्वास्थ्य खराब तो नहीं होगा, और जब खराब नहीं होगा और जब अच्छा खाएंगे तो एनर्जी आएगी, और एनर्जी से हम बहुत सारे काम कर पाएंगे। इसके लिए आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, बल्कि और ना ही खुद डॉक्टर बनने की जरूरत है। बस प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर के फॉर्मूले पर काम करना पड़ेगा। इस महीने आपको कुछ अलग जो स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई चीजें सीखने का मौका मिलेगा, और लगाव आपको उसमें रहेगा, और आपके जो दुश्मन हैं, जो आस पड़ोस में काम कर रहे हैं, आस पड़ोस में रहते हैं, उनसे उलझने का कई तरह के अवसर आएंगे, जो आपको अवसर को लेना नहीं है। क्योंकि उलझने, झूठे लांछन आरोप लगने से, झगड़े फसाद से हमारा और दूसरों का नुकसान जरूर होता है, और इससे हम बाद में पछताते भी हैं। आपको यात्रा का अवसर मिलेगा, यात्रा को आपको टाल देना चाहिए, क्योंकि ये मौका भी नहीं है, ये वक्त भी और नजाकत भी नहीं है। आपको अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए छोटी और बड़ी यात्राओं को चयन करना चाहिए। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि जो मैं उपाय बता रहा हूं उनका सहारा लेकर निश्चित रूप से आप इस महीने को शानदार बना सकते हैं। 1 जून को श्री गंगा दशहरा के दिन आप अपने घर में हर कोने में, हर जगह पर पीतल के लोटे में भरकर दूर्वा लेकर, जो हरी घास होती है, गंगा जल का छिड़काव उस दिन जरूर करें, और फिर उसे लाल कपड़े में बांधकर किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को लोटा डोनेट कर दीजिए, और जल में जहां नहाते हैं उसमें थोड़ा गंगा जल डालकर नहाना चाहिए। 2 जून बहुत पुण्य का दिन है, निर्जला एकादशी है। राहगीर को पानी, मटकी, पंखी, कूलर, जरूरतमंद को भेंट जरूर करें। और हमने भी एक प्याऊ का निर्माण किया है, जो निर्माण कार्य जल्दी पूरा होने वाला है। आप भी ऐसा कुछ काम करें, कुछ ना कर पाए, एक मटकी ही घर के बाहर पानी के भर के, और साथ में कुछ लोटा वगैरह जो सामग्री होती है, कोई छांव वगैरह हो तो वहां रख दीजिए। 21 जून को सूर्य ग्रहण है, और इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव को दूर करने के लिए सूर्य के ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करें। और ऊनी वस्त्र तो गर्मियों में देते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास पुराने पड़े हैं तो बाद में काम आ जाएंगे, दे सकते हैं। कंबल, गेहूं, चना, उड़द, पापड़, मटका, तिल, सरसों, कंघी, काजल के साथ साथ आप छाता भी डोनेट करिए। 22 जून को गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। इस दिन काल रात्रि की पूजा करें, दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का पाठ करें और नवान मंत्र का जाप करें। अंधकार में भक्तों का मार्गदर्शन करके प्राकृतिक प्रकोप, अग्निकांड आदि का शमन करती है माँ दुर्गा, इसलिए आप दुर्गा सप्तशती के पाठ जरूर करें। प्रिय मकर राशि वाले दर्शकों, मैं उम्मीद और विश्वास से कह सकता हूं कि आप अपने महीने को यादगार बनाएंगे। हम सबको हर रोज एक एक दिन करके समय जा रहा है, हमें शाम को इस बात को जरूर भली 10 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए सोचें कि हमने आज क्या प्रोडक्टिव काम किया, क्या हम आज के दिन को बिताकर संतुष्ट हैं। इससे आपको जवाब मिलेगा और कल इससे बेहतर आप बना पाएंगे, और आपका बेहतर महीना गुजरे। ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अपनी जुबान को यहीं विराम देना चाहता हूं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।